हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइलिंग वर्ल्ड। आज मैं आपको सिली हुई कुर्ती से नाप कैसे लेते हैं और कटिंग कैसे करते हैं, मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिली हुई कुर्ती है, ये हमारा मेजरमेंट है। कहीं को ऐसा होता है कि भी बॉडी से मेजरमेंट नहीं लेना आता, तो हम शर्ट से मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिली हुई शर्ट है, ठीक है, ये हमारी सिली हुई शर्ट है। इसको हम अब कैसे नाप लेना है देखिए फ्रेंड्स। पहले हम इसकी शर्ट की लेंथ नापेंगे। शर्ट की लेंथ हमारी है, ये देखिए, यहाँ तीरे से जो हमारी तीरे की स्टिचिंग होती है, यहाँ पे तीरा हमारा स्टिच होता है, यहाँ से हमने इंची टेप रखना है और इस तरह से हम लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारी है 39, ठीक है फ्रेंड्स। लेंथ लेने में कोई इशू नहीं होता। और ये देखिए इस तरह से, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि भी लेंथ लेने में हमने 39 रखनी है और प्लस हाफ इंच हमने जो तीरे के अंदर मार्जिन जाएगा वो एड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने इस तरह से लेंथ लेनी है। ये देखिए, अब हमें लेना है तीरा। फ्रेंड्स, हमें लेंथ नापने में इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी हमें शोल्डर, तीरा और हमें यहाँ से फिटिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारी सिली हुई शर्ट है, हमारे पास और कोई नाप नहीं है, हमारे पास यही नाप है। तो हमें इसे कैसे करना, पहले तो इसको बिल्कुल सेट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। सेट करने के बाद अब हमें इसका तीरा देखना है। ये देखिए तीरा यहाँ से देखा यहाँ तक हमारा आ रहा है 10.5। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आ रहा है 10.5, ठीक है। 10.5 में हाफ इंच हम इधर का लेंगे, सिलाई मार्जिन का हाफ इंच हम इधर का लेंगे, तो हमारा टोटल हो गया 11.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11.5। ये देखिए तीरा मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपने एक एक करके मेजरमेंट लेना है और उसको नोट करते जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे आ रहा है नेक। अब हम लेंगे नेक हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, यहाँ से करते हैं हम तो हम यहाँ आ रहा है, यहाँ से करते हैं तो हम यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो यानी ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 6.75 हमारा नेक आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको एक बार इस तरह से भी मेजरमेंट कर लेंगे क्रॉस में। ये देखिए क्रॉस में आ रहा है ये हमारा 7.25, ठीक है। तो हमने दोनों मेजरमेंट लिखने हैं। ये देखिए नेक के हमने नेक लिखा, उसके बाद राउंड में लिखा, राउंड में हमारा आया है 6.75 और हमारा इस तरह से आया है 7.25, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा नेक का हो गया, फ्रंट नेक लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों मेजरमेंट लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लेना है, शोल्डर का मेजर। अब हमें ये ही नहीं पता कि हम इसका शोल्डर कैसे नापेंगे, या तो हम इस तरह से नापेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारा आ रहा है ये 9.5 में 1 पॉइंट ऊपर आ रहा है, ये देखिए 9.5 में 1 पॉइंट ऊपर इतना आ रहा है फ्रेंड्स इसका, ये देखिए इतना आ रहा है, ठीक है। पर ये हमें पता ही नहीं कैसे आएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे शोल्डर से इस तरह लिया, ऐसे इसको सेट किया, यहाँ से इस तरह से रखा, ये देखिए इस तरह से रखा और इस तरह से मेजरिंग टेप इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दिया। ये देखिए अब आपका यहाँ आ रहा है बिल्कुल, ये देखिए, देख रहे हो फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ से आ रहा है। अगर आपका थोड़ा और नीचे आता तो आप यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अगर मैं 6.5 करती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से 6.5 करती हूँ तो हमारा ये शोल्डर से नीचे जा रहा है, तो हमारा कितना आया 6, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आया 6। तो आपने हाफ इंच प्लस करके ही लिखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जब आप कटिंग करने लगो, तो आपको ऐड करना ना याद रहे और आपका सूट गलत हो जाए, तो इसीलिए आपको ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स 6 हमारा, ये देखिए मैंने यहाँ से मेजरिंग टेप इस तरह से किया, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमारा मेजरिंग टेप बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। तो हमने यहाँ पे करना है 6 और हाफ इंच हमने तीरे का, तो हमने जो तीरे में जाएगा हमें शोल्डर लेना है, शोल्डर हमारा हो गया 6.5 इंच, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा उसका लेंथ होगी, ठीक है। अब हमने रखना है फिटिंग का। फिटिंग हमारी है, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ऐसे जो हमारी सिलाई लगी हुई है इस तरह से रख के इस तरह से 18.5, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स 18.5 यानी 18.5 आ रही है हमारी। तो हमारी यहाँ हम रखेंगे अपर चेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, अपर चेस्ट हमारी आएगी 18.5, ठीक है। अब हमारी आएगी नॉर्मल चेस्ट। नॉर्मल चेस्ट हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस वाले पोर्शन से, इस तरीके से यहाँ से लेंगे। तो
तो यहां से हमारी कितनी आ रही है, ये देखिए, यहां से भी हमारी ये देखिए इतनी ही आ रही है, 18.5। तो 18.5 यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी आ गई है वेस्ट, ये वेस्ट है होगी हमारी, वेस्ट ये हमारी आएगी, ये देखिए फ्रेंड्स ये वेस्ट आ रही है कुछ, ये देखिए 17.5 यानी 16.75, यानी ये वेस्ट आ गई है 16.75। इस तरह से आपने साथ साथ नोट करते जाना है, ताकि आपको कोई भी चीज जब दोबारा फिर नाप लोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो फिर भूल जाओगे। इस तरह से नहीं करना आपने, आपने जो लिया साथ ही साथ लिखते रहो। अब हमारी आ गई हिप का, हिप का मेजरमेंट आपने यहां से, जहां से हमारे स्लिट खत्म हो रहे हैं, ये देखिए ऊपर से खत्म हो रहे हैं हमारे, ये वाली यहां से लिए और यहां तक, यहां से कितने आए हमारे 1.5 आ रहे हैं, ये देखिए 1.5, यानी हिप का मेजरमेंट हो गया हमारा 21.5, ठीक है 1.5 आ गया। अब हमने ये वाली लेंथ लेनी है, जो हमारी ये वाली लेंथ होती है, साइड लेंथ बोलते हैं हम इसे, और यहां से ये देखिए, यहां से जो हमारी यहां से मेजरमेंट, यहां से लिया और यहां तक, यहां तक ही इसकी आ रही है 16 इंच, ये देखिए 16 इंच आ रही है, तो हमारी साइड लेंथ होगी। साइड लेंथ अगर आप यहाँ शोल्डर में कंफ्यूज हो गए तो आप शोल्डर लिख सकते हो, एस एच लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारी साइड लेंथ आ गई, तो ये हमारी है 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ में हम लेंगे 16.5, ये देखिए 16.5 लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा शोल्डर के साथ, ठीक है। अब हमारी रही स्लीव्स, अब स्लीव्स हमारी ये देखिए, हमारी स्लीव्स है 17.5, ये देखिए 17.5 आ रही है बिल्कुल जहां से हमारी स्टार्ट हो रही है, तो हमारी आ रही है स्लीव, ये देखिए स्लीव लेंथ हमारी आ गई 17.5, और प्लस हाफ इंच हमारा मार्जिन का 18, ठीक है। और हम हमारी आ गई, ये देखिए ये इस तरह से 5 इंच इसका, इस तरह से इस मोहरी है, ठीक है। तो ये हम यहां लिख देंगे मोहरी, ठीक है, ये हमने ये इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब हमारा बैक नेक आ गया, ये देखिए हम बैक नेक पे जाएंगे। अब बैक नेक पे हमने क्या करना है, बैक नेक हमारा डीप है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, बैक नेक हमारा फ्रंट वाले से डीप है, तो हमने उसी तरह मेजरमेंट लेना है। ये देखिए, ये हमने पहले यहां पे लिया, ये हमारा आ रहा है 17.25, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए 7.25 आ रहा है ये हमारा मेजरमेंट, ठीक है। पहले तो हम बैक नेक लिखेंगे, अब भी लिखेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम बैक नेक, तो हमारा लिखेंगे हम 7.25, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लिखेंगे क्रॉस में, ये देखिए क्रॉस में हमारा आ रहा है 8 इंच, सेंटर पे लिया, ये देखिए 8 इंच आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्रॉस में 8 इंच बैक नेक, तो ये हमारा आ गया राउंड में, इस तरह से हम बना देंगे। आपको जिस तरह से भी समझ में आए ना, आप उस तरह से लिखो, मतलब मेथड यह होना चाहिए, आपने इस तरह से समझ में आया इस तरह से लिखो, आप इसको क्रॉस में लिख सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लगे ना वैसे लिखो, पर ये है कि भी आपको दोनों मेजरमेंट आपके पास होने चाहिए, ताकि कल को आप सूट बनाओ तो सूट से सूट बने तो बिल्कुल परफेक्ट बने, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमने क्या लेना है, घेरा, ये देखिए ये घेरा लेना है, घेरा हमारा इसका कितना आ रहा 20.5, ये देखिए 20.5, तो इसमें हमने लेना है घेरा हाफ, यानी 20.25 इंच, ठीक है। तो ये 20.5 आपका घेरा हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी क्या करते हैं, कटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे शर्ट का काम खत्म हो चुका है, अब हम इसको साइड में रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखें भी हमने कटिंग करनी है, ये देखिए अब हमारा तीरा कितना था, ये देखिए, ये अब हमारा देखो तीरा हमारा है 11.5, ठीक है। इसमें हमने मार्जिन तभी ऐड कर लिया था जब हमने ये लिखा था,
ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे लिखना है 11.5। अब 11.5 तो हमारा यहाँ आ रहा, तो इसका हाफ कितना बनेगा? यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखा और ऐसे रखा और इस तरह से बिल्कुल हाफ, ये देखिए 11.5, और इस तरह से रख के बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से मार्क लगा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर आपको दिक्कत आती हो, 6.25 बनता है, ये देखिए 6.25 आ रहा है, ये देखिए हाफ, आप इस तरह से भी लगा लो इसको, ठीक है। और अगर आप नहीं, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरह से 11.5 का डबल करके और 6.25 पे इस तरह से लगा लो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने सबसे पहले क्या काम करना, मैंने आपको तीरे का निशान लगाना बता दिया। सबसे पहले वैसे हमने क्या काम करना होता है, हमने एक स्केल लेना होता है और एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है आधे इंच की, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने आधे इंच की स्ट्रेट लाइन, ताकि जो हमारा कपड़े का है कि भी जो कन्नी है, सेटिंग नहीं है, वो सब हमारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना, हमने 6.25 पे मार्क करना है इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। ये 6.25 पे हमने मार्क लगा लिया। उसके बाद हमारा शोल्डर कितना था, हमारा 6 शोल्डर था, 0.5 हमने उसमें लिया था तीरे की सिलाई के लिए, ठीक है। तो हमने ये क्या करना है, यहाँ पे हमने लेना है 6.5, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। और हमने यहाँ से भी 6.25 पे इस तरह से मार्क करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये चीज इस तरह से खींच देनी है, ये देखिए इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन इसमें लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने इस तरह से इसको बॉक्स बना लेना है, ये देखिए ये हमने इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना लिया। अब हमारी इसमें ये हमने यहाँ निशान लगाना है कि अपर चेस्ट, अपर चेस्ट, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी है अपर चेस्ट, देख रहे हो अपर चेस्ट, अपर चेस्ट हमारी है 18.5, यानी 18.5। तो हमारा हाफ पार्ट था और हम इसका लेंगे और भी हाफ, यानी फोर्थ पार्ट, ये देखिए 18.5 हमारा वन साइड था शर्ट का, और अगर हम इसका डबल करें तो हमारा यहाँ पे आ गया 37 का हमने लेना फोर्थ पार्ट, इसका हमने लेना हाफ पार्ट और इसका लेना हमने फोर्थ पार्ट। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसको रहने दीजिए, इसका लेंगे हम हाफ, ठीक है, हाफ लेंगे। तो हम यहाँ पे आ रहा हमारा 9.25, यहाँ पे देखिए 9.25 आ रहा, और हमने यहाँ से इस तरह से 9.25 करके इस तरह से मार्क लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा लग गया मार्क अपर चेस्ट का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी शेप देनी है, ठीक है। शेप कैसे देंगे, ये देखिए, इसमें मैं आपको शेप देके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शोल्डर कर्व होता है, ठीक है। जिसको भी फ्री हैंड लगाने से दिक्कत आती है तो ये शोल्डर कर्व ले सकता है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हमने क्या करना है, जैसे हमें पता है कि भी हमने यहाँ से इस तरह से शेप देनी है बैक की, तो हमने ये देखिए इस तरह से सेट करके देखना है। इस तरह से तो हमारी बैक की शेप आ नहीं रही है, ठीक है। तो हमने सेट करना है और ये चीज इस तरह से सेट करनी है। अब आप ये कहोगे कि भी ये आपने इस तरह से कैसे सेट किया, ये देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि भी हमें यहाँ से इस तरह से जाना है। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपको आ जाएगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ से इस तरह से रखा इसको और बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए आ गई है फ्रेंड्स इस तरह से शेप। अगर आप इसमें मार्जिन, ये देखिए, अगर आप इसका मार्जिन आप यहाँ पे इस तरह से ले देते हो इस तरह से, तो आपका ये कपड़ा ना, ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। जब आपका ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तब आपको यहाँ पे जब आप बाजू चढ़ाओगे ना तो झोल लाएगा, तो इसीलिए आपको ये कपड़ा इस तरह से यहाँ से गलत है, ये कटिंग नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ये आ गई है, अब ये हमारी होगी बैक की कटिंग, ठीक है। अब हमने करनी है फ्रंट की कटिंग, फ्रंट हमने ये रखना है इस तरीके से कि हमारा यहाँ पे 1 इंच बचे बस, ठीक है। हमारी होगी फ्रंट की कटिंग, अब फ्रंट की कटिंग हम लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने ये रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अब ये आपका क्लियर हो गया कि भी हमारी फ्रंट की कटिंग ये होगी, बैक की कटिंग ये होगी, ठीक है। अब हमने करना है नेक, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी और ये हमारी बैक की कटिंग होगी, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी बैक की कटिंग है, ठीक है, और ये हमारी फ्रंट की है। अब उसके बाद हम लेंगे नेक, नेक हमारा ये देखिए हमारा कितना था 6.75, और वैसे क्रॉस में था हमारा 7.25, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आपने ये चीज नोटिस करी है कि सिर्फ हमारा हाफ इसका हाफ इंच का ही फर्क आ रहा है, ठीक है। तो हमारा वैसे लेंथ कितनी है हमारी 6.75। अब 6.75 हमने ये रख लिया इस तरह से, ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और ब्रॉड हमने लेना है, जैसे इसकी ब्रेस्ट हमारी 18.5 है, तो ब्रॉड हमने लेना है 2.5 इंच। आप इसमें 2.75 भी ले सकते हो, पर हमारी कुर्ती का ब्रॉड देखना है हमें कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुर्ती का ब्रॉड देखना है, ये देखिए। पहले तो मैं आपको तीरा दिखाती हूँ, भी तीरा वहीं आ रहा है कि नहीं, ये देखिए। इस तरीके से, इस तरह से बिल्कुल से सट करके, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने ब्रॉड देखना, ब्रॉड हमारा आ रहा है 5.5 इंच का, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5.5 इंच यानी हम लेंगे इसका 2.75 पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने 2.75 पे निशान लगा दिया, और यहाँ पे भी मैं 2.75 पे ही करूंगी, ठीक है। इस तरह से मैं स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी, ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, ये मैंने बॉक्स बना लिया। अब हमारा ये लेंथ कितनी हुई, 6.75, जो कि हमने कुर्ती से मेजर की है। और हमारी ये वाली लेंथ 7.25 बिल्कुल ओके आ रही है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ओके आ रही है ये वाली, ये देखिए, यहाँ से यहाँ देख रहे हो आप, ये देखो बिल्कुल ओके आ रही है हमारी ये वाली। अब आप कहोगे कि भी जब ये स्टिचिंग में जाएगा, है ना, तो जब ये स्टिचिंग में जाएगा तो हमारा ये कम रह जाएगा, तो हमने इसमें 1/2 इंच और ऐड कर देने हैं, क्योंकि हमारा 1/2 इंच ऐड करने से गले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 1/2 इंच तो यहाँ शोल्डर में लिया और 1/2 इंच हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच और ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं अलग से स्केच के साथ आपको दिखा रही हूँ, अलग से कलर के, ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल। ये देखिए, मैंने यहाँ से ये कर दिया, और 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है ये यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ से मार्जिन देख लीजिए, ये देखिए 6.75, और यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का मार्जिन, ठीक है। और यहाँ से हमारा बिल्कुल वही 7.25 आ रहा है, ये हमारा उसमें चला जाएगा। अब आप शेप दीजिए, कोई भी शेप आप दे सकते हैं, फ्री हैंड से दीजिए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आप कोई भी शेप दे दीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद अब हमारा ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाली लेंथ हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी कितनी है। कुछ जो हमारे यहाँ फॉर्मूले चलते हैं, बाकी हम मेजरमेंट हमने शर्ट से ले लिया है। अब इसकी 18.5 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें शर्ट में कितना लेना है, ठीक है। तो शर्ट में हमने यहाँ पे लेना है 7 इंच पे, 7 इंच यानी ये देखिए, यहां से मैंने 7 इंच पे लगाया, और यहां से हमारा आ रहा है 13.5 पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब 13.5 पे 1/2 इंच हमारा यहाँ शोल्डर में चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा आ जाएगा 13 इंच पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे इसका 7 इंच पे लगाना है, ये वाली लेंथ जो हमारी ब्रश से कमर तक की लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद हमने लेना है नॉर्मल बस्ट, नॉर्मल बस्ट हमारी लेंगे हम यहाँ से 2.5 इंच नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी हमारा इतना ही आ रहा था, जितना हमारा यहाँ पे 9.5 था ना, 2.5, इस तरह से यहाँ पे भी हमारा 9.25 था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में हमारी वेस्ट है, वेस्ट हमारी 16.75 है, यानी ये देखिए 16.75 का हम हाफ करेंगे इस तरीके से, तो हमारी ये कितनी आई, 8.30, यानी हमारी आ गई 8, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 8.30, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे भी हम 13.5 का निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कर लिया स्ट्रेट, ये देखिए, ये हमारा कमर का निशान है, ठीक है। उसके बाद हमारा हिप का निशान है, हिप का निशान हमारा कितना है, साइड लेंथ, जिसे हम बोलते हैं 16.5, 16 हमारी साइड लेंथ थी, और 1/2 इंच हमने लिया था मार्जिन का। तो ये देखिए यहाँ से, तो हम इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ये हमने ये भी स्ट्रेट कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लेंगे वेस्ट का निशान, मैंने आपको बता दिया था 8.30 आ रहा है हमारा, और हिप का हमारा मेजरमेंट आ रहा है
21 एंड हाफ का हम हाफ लेंगे। ये देखिए 21 एंड हाफ का हाफ लेंगे हम, तो हम देखते हैं हमारा हाफ कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए ये आ रहा है, ये हमारा 11.25 के करीब आ रहा है। ये देखिए 11.25, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 11.25 पे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक शेपर लेना है। ये देखिए शेपर, जब मैं बताती हूँ कि हमेशा इसको चाहिए होता है, ये यहाँ से रखना है और इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये आप इस तरह भी रख सकते हो और इस तरह भी रख सकते हो, इसकी ये दोनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भी मैंने इधर से रखा या इधर से रखा, आप भी या इधर से रख लो या इधर से रख लो, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब उसके बाद यहां से, ये देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, इस तरह से मिलाना, ठीक है। और उसके बाद यहां से यहां, ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हम इसमें मार्जिन देंगे, मार्जिन देंगे हम इसमें 1.5 इंच का। ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन, वैसे तो हम 1.5 इंच का ही मार्जिन देते हैं, ठीक है। अगर किसी को बाय चांस कोई दिक्कत है तो वो ज्यादा मार्जिन रखना चाहता है, वैसे ज्यादा मार्जिन से फिनिशिंग नहीं आती है कुर्ती में, तो अगर हो सके तो आप 1.5 इंच का ही मार्जिन रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम ये पे हो गया मार्जिन, ठीक है, और इसको कर देंगे हम स्ट्रेट। ये देखिए ये तो होगी हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, कुर्ती की ड्राफ्टिंग में, अभी मैं आपको स्लीव्स काटना बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखाया मैंने कि फ्रंट नेक शोल्डर और ये मेजरमेंट, ठीक है। अगर आपको बैक नेक सेम इसी तरह से कटेगा जिस तरह से ये मैंने बताया, फिर भी आपको एक बार उसके लिए मैं आइडिया दे देती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए बैक नेक हमारा 7.25 है, ये मैं बैक नेक के लगा रही हूँ निशान। ये देखिए 7.25 है, हाफ इंच में लेंगे तो हमारा आ गया 8.8 में कुछ 2 पॉइंट कम है, यानी 7.25 के करीब आ गया ये। तो हमारा ये चौड़ाई हमारी यही रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, 7.5 की। और हमारा इस तरह से, ये देखिए ये हमारे बैक नेक के हो गए, ठीक है। और उसके बाद हमारा हाफ इंच का मार्जिन सेम जाएगा, ये देखिए, और ये हमारा आ रहा 8 इंच। आप देख रहे हो मैंने 8 इंच ही लिखा है क्रॉस में, और 8 इंच हमारा आ रहा है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप बैक वाला गला, फ्रंट वाला गला टैटरून का बनाते हो, ठीक है ना, तब आपने सेम इसी तरह से लेना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अब मैं इसकी कर देती हूँ कटिंग इस तरीके से। हमें यहाँ से सिर्फ टू पॉइंट जो होते हैं, इतने 2 पॉइंट, जब हमारा बैक नेक इतना डीप हो जाता है ना 8 इंच का, तो हम सिर्फ 2 पॉइंट शोल्डर डाउन करते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये शोल्डर डाउन करना है, इसका भी लॉजिक है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका लॉजिक जानना है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको हर वो सीक्रेट बताऊं जिससे आपका सूट में कोई भी दिक्कत ना आए सिलते वक्त। मैं सारे सीक्रेट आपको बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। बस मेरी वीडियो को इस तरह से प्यार देते रहना। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये कुर्ती की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें टुक लगाने हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से इसमें ये टुक लगाए, इसको इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पे टुक लगाया, ठीक है, और एक टुक यहाँ पे लगाया, ठीक है, ताकि जब आप फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को स्टिच करोगे तो ये टुक से टुक सेट आएंगे। अगर ये टुक से टुक सेट ना आए तो मतलब आपकी कुर्ती में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बैक नेक की कटिंग, बैक, ये देखिए मैंने बैक पल्ले की आपको कटिंग करना सिखाई है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एक और चीज बताना चाह रही हूँ कि भी हमारा ये यहाँ से कैसे आ रहा था। ये देखिए ये शर्ट देखिए, हम बैक नेक से लेंगे, ये देखिए बैक नेक, सॉरी
बैक पल्ला ये मैंने उठाया, ये देखिए ये हमारी स्टिचिंग है यहाँ पे, ये देखिए इस कुर्ती की यहाँ पे स्टिचिंग हो रखी है, ये देखिए इस तरीके से। तो हमने ये यहाँ पे ऐसे और ऐसे करके, ये देखिए ये हमारा, मैं आपको यहाँ से इस तरह से नज़दीक से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए यहाँ से हमारा ये स्टिच है और ये हमारा यहाँ से तीरा जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ से इस तरह से रख के, और ये हमारा 8.25 आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के, ये देखिए इस तरह से हाफ इंच हमने मार्जिन में देना है। ये मैं आपको बैक पल्ले का बता रही हूँ, फ्रंट पल्ले का नहीं, बैक पल्ले का, ठीक है। ये हमारा बैक पल्ले मैंने कटिंग करा हुआ है, तो हमने हाफ इंच यहाँ पे मार्जिन देना, सिलाई मार्जिन। अब हाफ इंच लोगे, कितना भी लोगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, आपने ये लेना है और यहाँ पे हमने हाफ इंच छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ शुरू करना है आपको, ये देखिए आ रहा है हमारा 8.25 ही हमारा शर्ट में आ रहा था, 8.25 यानी 8.25 हमारा इसमें आ रहा है। ये देखिए जब हमारा ये ड्राफ्टिंग सही होगा तो हमारा सूट अपने आप सही होगा। ये देखिए एक बार और दिखा दूं मैं, सिलाई मार्जिन, क्योंकि ये सिली हुई शर्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी सिली हुई शर्ट है, तो सिली हुई शर्ट में हमारा सिलाई में जा रहा है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ से सिलाई मार्जिन छोड़ के, ये देखिए फ्रेंड्स आ रहा है हमारा 8.25, ठीक है। इसी तरह से हमारा फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बस, आपने यही शेप में ये देखिए, मैं अब आपको फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग करनी है, ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से, ये देखिए ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया, ये हमारा बैक हो गया था, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम काटते हैं नेक, ये देखिए नेक, नेक की कटिंग करते हैं, ये देखिए ये देखिए, ये मैंने फ्रंट नेक काटा, ये देखो फ्रंट नेक कटिंग किया मैंने, ये देखिए ये हमारा बैक नेक था, मैंने बैक नेक नहीं काटा है, ये मैंने फ्रंट नेक काटा है, क्योंकि मैंने फ्रंट नेक यहाँ से छांट दे दिया है। तो हमने ये फ्रंट पल्ला तैयार कर दिया है। अब इसी तरह से आपको बैक पल्ला तैयार करना पहले, फिर फ्रंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। अब मैं आपको स्लीव दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी है स्लीव लेंथ, ठीक है। स्लीव हमारी है 18, हमने मार्जिन रख लिया था इसमें ऊपर जो हमारा सिलाई में जाएगा, और 5 इंच हमारी मोहरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं बाजू की लेंथ। अब बाजू की लेंथ के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये देखिए 18 पे लगाना है मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। मैं डार्क चौक ले लेती हूँ कलर, ये देखिए 18 लगा दिया। उसके बाद हमने फोल्डिंग का, अगर हमारा बॉर्डर है, कोई बॉर्डर लगाना हमने, तो हमने लेना 1/2 इंच, और हमने इस तरह से फोल्ड करनी है तो हमने लेना है 1.5 इंच, ठीक है, 1.5 इंच। तो हमने यहाँ पे लेंथ का निशान और यहाँ पे फोल्डिंग का निशान ये लगा लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच का एक निशान जो हम यहाँ से शेप देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमेशा हमारा जो पौनी बाजू होती है ना, तो उस पर हमारा 3 इंच का निशान ही लगता है, ठीक है। अब हम तीनों निशानों को स्ट्रेट कर लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये तीनों निशान लग गए हैं। ये हमारा फोल्डिंग का हो गया, ये हमारा लेंथ का हो गया, और ये हमने जो शोल्डर के लिए शेप देनी है वो, ठीक है। अब हम यहाँ से ये शेप, मैंने आपको कई बार पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये देखिए 18.5 यानी इसका डबल करेंगे हम, हमारा आ रहा है यहाँ पे 37 आ रहा है। 37 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 37/5 होता है, हमें कोई भी बाजू यहाँ कटिंग करनी होती है तो हम यहाँ 5 से डिवाइड करना होता है, तो 7/35 2/4, ठीक है। तो हमारा यहाँ आ गया 7.4। तो हमें यहाँ से क्या लेना है, 7.4 यानी 4 हमारा क्या आएगा, अब 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो 4 यहाँ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे हमारा 7.25, यहाँ पे 30, और यहाँ से 5 से थोड़ा सा कम, 7.5 से थोड़ा सा कम, हमारा यहाँ पे आ गया
ये देखिए इस तरीके से 40 यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से फ्री हैंड से इस तरीके से हमने ये मार्क कर लिया। अब हमारी मोरी है 5 इंच, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी है 5 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से शेपर की मदद से इस तरह से अंदर की तरफ रखनी है हमें, ठीक है, इस तरह से। और अंदर की तरफ हमें तब रखनी है जब हमारा मेजरमेंट ये हो, मतलब कम हो, 40 से कम हो। अगर हमारा 40 से बाहर होगा तो फिर हमें ये इस तरीके से रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे जो भी बातें लगता है कि भी आपको बतानी चाहिए, मैं हर वो बात बताती हूँ आपको। अगर फिर भी आपको मेरी कोई भी बात ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बाजू के लगा दिया है और ये भी इस तरह से अटैच करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा तो ये फोल्डिंग होगा। उसके बाद हमने इस तरह से मोरी मार्जिन देना है बाजू में, ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमने इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कट कैसे करना है। ये देखिए, और इस पे भी हमने यहाँ से इस तरह से टुक लगाना है और एक टुक हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने यहाँ पे ये टुक लगा लिया। उसके बाद हमने इसकी फ्रंट वाले छांट देनी है। फ्रंट वाली छांट हमने यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच पे देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी फ्रंट वाली छांट हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये देखिए मैंने ये कटिंग कर लिया है, ये फ्रंट वाला पल्ला कटिंग कर लिया है। आपको बैक वाला पार्ट कटिंग करना सिखा दिया है मैंने आपको, कुर्ती से मेजरमेंट लेके, कुर्ती से एक स्टिच करी हुई कुर्ती से, क्योंकि जो हाउसवाइफ हैं, जो घर में हैं, जो घर में खुद सिलती हैं, उन पे अपना बॉडी मेजरमेंट नहीं लेना आता, या अपना बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए कोई दूसरा अवेलेबल नहीं होता, तो उन्हें शर्ट से ही सिलना पड़ता है। तो शर्ट से सिलने के लिए आपको जो भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको वो क्लियर कर दिया है। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको वो डाउट क्लियर कर सकूं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस की वॉचिंग। बाय बाय।